अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम मेरे प्यारे फ्रेंड व्यूवर्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विलेज की देसी सब्जियाँ। बहुत दिन हो गए थे हमने आपको विलेज की देसी सब्जियों के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई थी, आपको ना दिखाया था ना कुछ बताया था। तो आज की वीडियो में हमने कहा कि क्यों ना हम विलेज की जो हमने सब्जियाँ लगाई उसकी वीडियो में एक वीडियो बना ली, क्योंकि मैं यहाँ पर तोड़ने भी आया था सब्जियों को। तो मैंने कहा साथ में वीडियो भी बना लेता और आपको भी दिख जाएगा कि जो जो हमने सब्जियाँ लगाई हुई उसके सब के बारे में आपको इसकी आज की वीडियो में बताऊँगा। विलेज की देसी सब्जियाँ जो जो सब्जियाँ होती हैं, जो जो हमने लगाई हुई हैं, सब्जियाँ तो बहुत सारी होती हैं, हम जो जो हमने लगाई हुई है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो के अपने साथ साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे तो वीडियो को फिर मज़ा नहीं आ पाएगा, आपको ना देख पाएंगे विदेश की जो सब्जियां वगैरह जो हमने आज तोड़नी है वो उसकी फुल प्रॉपर आपको आज हमारे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो के आपने लास्ट तक रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट इस तरह की वीडियो नहीं बनाएंगे। तो व्यूअर्स, और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा देख सकते, जिस तरह इतनी तेज़ धूप है, धूप के अंदर ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है, आप लोग देख सकते इतने मुझे पसीना भी से इतना पसीना आ रहा है। तो और जो भिंडी होती है इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, भिंडी को तोड़ने में बड़ी गर्मी लगती है और ये बड़ा मुश्किल काम है भिंडी को तोड़ना। तो मैं व्यूअर्स, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए सब कुछ आसान है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो के आपने साथ साथ रहना है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कितनी यहाँ पर धूप है, धूप के अंदर मैं भिंडी को तोड़ूंगा और सारी जितनी हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं उसको दिखाऊंगा। पहले हम भिंडी तोड़ते हैं, फिर जो सब्जियाँ लगाई हुई उसको यानी स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें दिखाऊँगा। तो पहले हम यहाँ से भिंडी तोड़ते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर भिंडी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भिंडी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा मिकदार में। माशाल्लाह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, पट तो तोड़ने में बड़ी मुश्किल होगी। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें भिंडी माशाल्लाह से देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और देसी भिंडी लगी हुई है। भिंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिकदार में, भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है ये थोड़ी सी भी लगा दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें थोड़ी सी जगह में इतनी ज़्यादा भिंडी यहाँ पर हो चुकी है ना, ये देखें थोड़ी सी जगह पर भिंडी बहुत ज़्यादा है। तो तोड़ना इसको असल बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, बट आपके लिए तो सब कुछ आसान है। इतनी गर्मी में मैं यहाँ पर आया हूँ, तकरीबन अभी दिन के 9:30-10 है। भिंडी को जो भिंडी जो सब्ज़ी होती है इसको सुबह सुबह ही तोड़ा जाता है, क्योंकि फिर थोड़ी गर्मी हो जाती है तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके लिए सब कुछ आसान है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होती। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हम साथ साथ तोड़ते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो व्यूवर जी, हम अब यहाँ से तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखें यहाँ से ये भिंडी आ गई माशाल्लाह से, इसको शॉपर हमने एक ले लिया, शॉपर के साथ तोड़ें क्योंकि ये हाथों पर चुभती है, क्योंकि इसमें चिपचिपाहट इतनी होती है कि ये बंदे को मैं कहता हूँ इतनी गर्मी में बड़ा मुश्किल काम है भिंडी को तोड़ना। और आपको एक और बात भी पता होगी, पाकिस्तानी का कौमी फल, कौमी सब्ज़ी जो है वो भिंडी है, कौमी फल कह रहा हूँ, कौमी सब्ज़ी जो है वो भिंडी है पाकिस्तान की। तो भिंडी तो फिर तोड़नी पड़ेगी, जितने से आप लोग देख सकते व्यूवर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर भिंडी के बहुत सारे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे टाइप होता है ये। तो माशाल्लाह से हमने देखा आपके सामने, आपके साथ तोड़ रहे हैं, लाइव आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, आपके साथ कोई सीन इस तरह का छुपा नहीं रहे, आपके दिखा रहे हैं जिस तरह से तोड़ी जाती है ये भिंडी, आपको दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को, फ्रेंड्स को, ताकि आप लोग भी देख सकें और आप लोग देख सकें कि विलेज वाले जो है वो इतनी कोई वो नहीं होती है कि यानी मसलन क्या आपको मैं क्या बताऊँ, साथ साथ भिंडी भी तोड़ो, साथ साथ आप बातें भी कर रहा हूँ, मसलन विलेज वाले इतनी कोई बड़ी मेहनत से काम करते हैं और मेहनत के साथ ये खाते हैं। जो विलेज वाले होते हैं ये कोई ऐसे नहीं है, विलेज की लाइफ कोई इतनी आसान नहीं है जितनी विलेज की लाइफ यानी मसलन तरोताज़ा है, इतनी विलेज की लाइफ मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है। अगर यहीं आप शहरों में होते तो शहरों में तो आपने ख़ुद ख़रीद लेनी थी, बट हम खुद लगाते हैं क्योंकि ताज़ा सब्ज़ी तो खानी चाहिए, ताज़ा सब्ज़ी सेहत के लिए अच्छी होती है। ये देख सकते हैं वो शॉपर के साथ हम लगा रहे हैं। तो व्यूवर, अगर मेरे किसी व्यूवर्स को ये भिंडी चाहिए तो वो आ सकते हैं, आपको फ्री दे दूँगा, आपको तो फ्री मिल जाएगी, फ्री में आप लोगों को हम यहाँ से हम तो अब तोड़ लीजिएगा, तोड़नी, बट अब अगर आप लोग आएंगे हमारे पास तो तोड़नी आप लोगों ने फिर भी खुद ही है, तोड़नी हमने नहीं है। तो अगर आप लोग यानी ये भिंडी को आना चाहते हैं हमारे पास आ जाएँ, जो हमारे नज़दीक रहते हैं, तो व्यूवर्स आप लोग आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हम दे देंगे। और आप जितनी हो सके जितनी आप लोग खुद तोड़ सके आप लोग तोड़ लीजिएगा, तोड़नी मैं बट व्यूवर्स आप लोगों ने खुद है, या किसी से आपको तोड़ा के भी दे दूंगा, क्योंकि मुझसे तो नहीं तोड़ी जा रही, मुझसे तो अपने घर के लिए नहीं तोड़ी जा रही, इतनी गर्मी में भिंडी तोड़ना वैसे भी बड़ा मुश्किल काम है। ये लोग आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स माशाल्लाह से, अभी थोड़ी सी देर में व्यूवर्स भिंडी तो बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी माशाल्लाह से, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे रख के, ये देखें शॉपर के अंदर भिंडी। तो व्यूवर्स अभी हम और तोड़ें फिर आपको दिखाते हैं जी, हमने यहाँ से भिंडी सारी तोड़ ली, अभी आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर क्या कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर ये सारी पहले इस साइड पर जो है सारी भिंडी है, भिंडी के साथ साथ आपको हम और सब्ज़ी भी दिखाते हैं जी, और यहाँ पर क्या कुछ है तो आपको दिखा देते। तो मेरे व्यूवर्स ये देखें जी,
ये सारा आ गया लोबिया, ये सारा यहाँ पर लगा हुआ है लोबिया। मैं आपको दिखाता हूँ जी लोबिया का, यहाँ पर अगर कोई थोड़ा बहुत यहाँ पर लगा हुआ होगा तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये जो है ना, ये सारे जो हैं ये पौधे, ये लोबिया के हैं। यहाँ पर अभी कोई लोबिया का शायद सीज़न चला गया है, शायद मौसम चला गया इस वजह से। तो ये जितने भी यहाँ पर है ये सारा लोबिया है। तो ये सारे यहाँ पर लोबिया के पौधे हैं, लोबिया की ये बेलें होती हैं, ये पौधे वगैरह इस तरह से होते हैं माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ये लोबिया, ये सारा ये कच्चा लोबिया, कच्चा है इसलिए, ये देखें अभी यह है कच्चा इसलिए। तो यहाँ पर अभी नहीं नज़र आ रहा और ना ही दिख रहा। बाकी यहाँ पर ये सारा जो है, ये सारा यहाँ पर लोबिया लगा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा मकदार में लोबिया भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मकदार में है, कोई थोड़ा सा लोबिया नहीं है। लोबिया के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पौधे हैं। ये देखें जी लोबिया आखिरकार नज़र आ ही गया। ये देखें जी कीड़ों के ऊपर लोबिया, ये देखें ये है लोबिया, ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह से व्यूअर्स लोबिया है। असल अभी यहाँ से हमने लोबिया शायद तोड़ लिया था मुझे लगता है। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये सारा लोबिया है और आगे भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग, अभी यहाँ पर आगे बहुत सारा लगा हुआ है, असल साइडों पर नहीं है, साइडों पर ये टूट जाता है तो इसलिए ये देखें। और मैं उसको खा भी रहा हूँ आपके सामने, बड़ा प्यारा लोबिया है जी, मीठा। और भी यहाँ पर लगा होगा इसी तरह से, यहाँ पर ये सारे जो है ना ये लोबिया के पौधे हैं माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत और प्यारा लोबिया है। इसको हम यहाँ से इंशाल्लाह कभी तोड़ेंगे। ये देखें जी ये भी लोबिया है, ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग लोबिया। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा था इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को देख, आप लोग ये ना कहे कि हमसे झूठ बोल रहा है, ये कोई और चीज़ है, ये वैसे कोई घास है तो ये हमें कह रहा है ये सब्ज़ी लगी हुई है, सब्ज़ी है ये लोबिया ही है, ये सब्ज़ी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से दिखा भी रहा हूँ और इसलिए आपको तोड़ तोड़ के दिखा भी रहा हूँ। ये माशाल्लाह सारा, ये देखे इस साइड पर ये सारा लोबिया है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है, ये देख सकते व्यूअर्स, ये देखें इस तरह। इसको तोड़ना असल मुश्किल होता है, इसका असल अभी थोड़ा सा यहाँ पर लगा भी नहीं होगा, हमने यहाँ से तोड़ भी लिया था तो इस वजह से। अगर ये किसी को लोबिया भी चाहिए इंशाल्लाह लोबिया भी उसको दे देंगे हम, लोबिया हम खुद तोड़ के, लोबिया मैं अपने व्यूवर्स को खुद तोड़ के दूंगा, लोबिया आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोबिया मैं आपको अपने व्यूवर्स के लिए, भिंडी पर आपने खुद तोड़नी है व्यूवर्स, अगर आप लोग हमारे पास आएँगे तो भिंडी आपने खुद तोड़नी है, लोबिया आपको तोड़ के दे दूँगा। ये देखिए जी माशाल्लाह इसको मैं खा भी रहा हूँ कच्चा, बड़ी प्यारा आ रही है, बड़ा खूबसूरत टेस्ट है लोबिया का, कच्चा लोबिया। देखिए यहाँ पर सारा लोबिया है, देखिए वहाँ पर भी लगा हुआ है, और भी लोबिया भी बहुत ज़्यादा मकदार में है, उस साइड पर भिंडी, इस साइड पर लोबिया, तो लोबिया भी बहुत ज़्यादा मकदार में है, कोई थोड़ा सा लोबिया नहीं है। तो व्यूवर्स अभी आपको दिखाते हैं और सब्ज़ी यहाँ पर और क्या कुछ लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर लोबिया भिंडी होगी, अभी आपको दिखाते हैं और। तो व्यूवर इसी के साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है जी काली तोरियाँ, जो तोरियाँ होती हैं ये तोरियाँ लगी हुई हैं, ये जो बेलें हैं ये सारी तोरियों की बेलें, मैं आपको थोड़ा ऊपर उठा के दिखाता हूँ। ये जो बेलें हैं, ये जो देखें ये लंबी लंबी सी बेलें हैं, ये सारी तोरियों की बेलें हैं। तोरियाँ असल एक ऐसी सब्ज़ी है, तोरी असल लगती बड़ी कम है, तोरी बाज़ार में असल जो बाज़ारों में बिकती बड़ी महंगी है, ये काली तोरी जो होती है ये वैसे। इन सब्ज़ियाँ तो आपको दिखा चुका हूँ, अभी चौथी सब्ज़ी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर चौथी सब्ज़ी जो लगी हुई है वो लगा हुआ है यहाँ पर पेठा, इस जिसको पंजाबी में पेठा, हम तो पेठे ही बोलते हैं जी, वो यहाँ ये देखिए जो पेठे के ये सारे पौधे हैं माशाल्लाह जी। यहाँ पर पेठा भी बहुत ज़्यादा मकदार में लगा हुआ है, असल पेठा यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा मकदार में पेठा लगा हुआ है, सारा यहाँ पर ये पेठा लगा हुआ घास के अंदर असल घुसा पड़ा, असल यहाँ पर इसकी हिफाजत नहीं हुई इस वजह से यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैं आपको इस यहाँ पर कोई पेठा तो भी शायद ना हो, बट यहाँ पर पेठे का फूल लाजमी होगा, मैं आपको फूल दिखा देता हूँ, छोटे छोटे पेठे से लगे होंगे, ये देखे जी ऊपर इस तरह से ये पेठे होते हैं, आप लोग शायद घर में पकाते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये पेठा। देखे छोटे छोटे से यहाँ पर अभी लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भी छोटा सा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग छोटा सा पेठा। और भी यहाँ पर बहुत सारे पेठे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भी पेठे लगे हुए हैं और भी यहाँ पर हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा मकदार में यहाँ पर ये है। और कद्दू हमने एक दूसरे डेरे पर लगाए हुए हैं, कद्दू भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, कद्दू यहाँ पर अभी रह गया है, कद्दू असल हमने यहाँ पर लगाया नहीं हुआ असल में, तो इसलिए वो आपको दूसरी जगह पर और भी सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पर वो डेरा हमारे पास नहीं है, तो वह यहाँ से दूर, ये एक साइड पर है वो एक साइड पर है, तो इस वजह से इंशाल्लाह जब वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ भी आपको दिखाएँगे। ये देखें यहाँ पर तो बहुत सारा ये पेठा लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये लोग देख सकते हैं जी व्यूवर्स आप लोग माशाल्लाह से, ये देखें व्यूवर जी छोटे छोटे पेठे से लगे हुए हैं अभी, ये छोटे छोटे ही हैं इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे जब हम तोड़ेंगे इनको, फिर भी आपको दिखाऊंगा व्यूवर्स, क्योंकि आपको तो सब चीज़ आपसे कोई चीज़ मैं छुपाता नहीं हूँ व्यूवर्स। जो भी हमारी लाइफ है, जिस तरह से भी हम गुजारते हैं ज़िंदगी, जो भी हमारी ज़िंदगी के रहन सहन है, असूल है, मैं सब आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से भी हमारी ज़िंदगी है, बेशक से सिंपल है, जैसी भी है, सादा ज़िंदगी है, जो भी जैसी भी ज़िंदगी है, बट मैंने आपसे आज तक कभी कोई बात छुपाई नहीं है। तो व्यूवर्स आप लोग भी सपोर्ट किया करें, आप लोग जितनी हो सके व्यूवर सपोर्ट किया करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। असल बात जो है वो सब्सक्राइब करने की है, तो आप लोग सब्सक्राइब लाजमन किया करें। सब्सक्राइब से चलो ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, दिल करता है कि हम आपके लिए और वीडियोज़ बनाएं। देखें आपके लिए मैं इतनी गर्मी में वीडियोज़ बनाई है, इतनी मैंने आपके लिए सारी देखी, इतनी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी लगी हुई थी मैंने सब आपको दिखाया, इतनी गर्मी में दिखाया, तो इसलिए दिखाया कि आप लोग देख सकें विलेज की सब्ज़ियाँ वगैरह को देख सकते, जिस तरह हम सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं आपको मैंने सारा तरीका बताया, तो इसी वजह से आपको मैंने दिखाई कि आप लोग ये देख सके और आप लोग फिर सपोर्ट भी किया करो व्यूवर। तो आप लोग जितनी हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। तो इतने पसीने में यहाँ मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पर असल मैं आपको ढूंढ जो रहा हूँ वो ढूंढ रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई बड़ा पेठा लगा होगा पर यहाँ पर वो नहीं लगा हुआ, असल शायद लगा भी हो तो अंदर हो, असल में अंदर अभी घास में घुस नहीं सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कीड़े मकोड़ों का नहीं पता होता कि क्या अंदर क्या कुछ है, क्या अंदर छुपा हुआ है, तो गर्मी है तो अंदर छाँव है ना, छाँव की वजह से फिर यहाँ पर कीड़े मकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं वो छुपे होते हैं, तो इस वजह से। तो व्यूवर्स माशाल्लाह सब्जी यहाँ पर सारी है, तो यहीं से एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। देख सकते हैं मेरा कितना बुरा इस वक्त हाल हो चुका है, देख कितना पसीना यहाँ पर, पूरे मुंह पर मेरा पसीना ही पसीना हो गया, क्योंकि मैंने आपको इतनी धूप में चीज़ें सब्ज़ी दिखाई, इतनी धूप में व्लॉग बनाया, तो बड़ा पसीना मेरे मुंह पर देख के सारा पसीना आ चुका है। तो मुझे गर्मी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही है, शदीद किस्म की गर्मी लग रही है, इसी वजह से हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपको जो हम हो सका इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको विलेज का कल्चर दिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें जो चैनल पर नहीं है, और वीडियो को आपने को आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने इस तरह की पहले कोई सब्जियां वगैरह विलेज में देखी हैं या नहीं देखी, आपने इस तरह की ये सारी बातें हमें कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और आपको जो कोई चीज़ हुई विलेज की वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो व्यूवर्स प्यारे फ्रेंड प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़िया मान लब ने रखे ख्याल, अल्लाह हाफिज़।